वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो घुटने का एक्सरे और एमआरआई स्कैन किया। पता चला कि 4 mm हड्डी का टुकड़ा टूट के अलग हो चुका था। लोगों ने बातें करना शुरू की। कोई कहता इसे खिलाना नहीं चाहिए था, कोई कहता इसका करियर खत्म हो गया है, तो कोई कहता चल नहीं पाएगा। मैं लाइफ में इतनी खराब कंडीशन में कभी नहीं खेला और नहीं चाहता कि कोई और इस हालत से गुजरे। दोस्तों, ये छोटी सी लेकिन पावरफुल कहानी है 2015 वर्ल्ड कप की। मोहम्मद शमी कहते हैं, वर्ल्ड कप से एक हफ्ते पहले एडिलेड टेस्ट में ही नी फ्रैक्चर हुआ था। दर्द बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर्स ने कहा कि पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने लग सकते हैं। टीम मैनेजमेंट ने सामने 2 कंडीशंस रखी, या तो वापस इंडिया चले जाओ, नहीं तो अगर दर्द बर्दाश्त कर सकते हो तो इंजेक्शन और पेन किलर्स लेके खेल सकते हो। लेकिन घुटना परमानेंट डैमेज होने के चांसेस भी थे। उस वर्ल्ड कप में जाने से पहले मोहम्मद शमी जबरदस्त फॉर्म में थे और 2 सालों में ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। शमी साहब का पहला ही वर्ल्ड कप था और शायद यही कारण था कि उन्होंने खेलने का निर्णय लिया। शमी कहते हैं कि वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में हड्डी ब्रेक कर गई। मुझे पता था कि नी में फ्रैक्चर है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बोन ब्रेक कर जाएगी। उस दिन जो दर्द मैंने महसूस किया, मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैच के बाद घुटने में पूरी तरह सूजन थी और घुटना और थाई सेम साइज के हो गए थे। चलना तो दूर की बात, मुझे बैठने में भी तकलीफ होती थी। वे आगे कहते हैं कि इस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा मदद की फिजियो नितिन पटेल ने। मैं पूरे मैचेस सिर्फ और सिर्फ नितिन पटेल के विश्वास के कारण खेल पाया। हम लोग हर रोज़ डॉक्टर के पास जाते और घुटने में से 40-50 ml फ्लूइड निकालते। मेरा प्रैक्टिस करना मुश्किल था। मैं पूरा रेस्ट करता और सिर्फ मैचेस खेलता। शमी बताते हैं कि सेमीफाइनल के दिन मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। आमतौर पर मुझे मैच के बाद दर्द होता था, लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले दर्द होने लगा। मैंने टीम मैनेजमेंट को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा। माही भाई ने मुझसे कहा कि ये सेमीफाइनल है और हम नए गेंदबाज के साथ नहीं जा सकते। दोस्तों, उन हालातों में शमी ने उस मैच में पहले 5 ओवर्स में सिर्फ 13 रन दिए। फिंच और वार्नर ठीक से खेल भी नहीं पा रहे थे। शमी कहते हैं कि पहले 5 ओवरों के बाद मैं वापस ड्रेसिंग रूम में गया और एक इंजेक्शन और कुछ पेन किलर्स खा के वापस आया। एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने स्टेरॉयड देने से मना कर दिया, क्योंकि कंडीशन हाथ से बाहर जा चुकी थी। जब वापस ग्राउंड पर आया तो मैं भाग भी नहीं पा रहा था। मैंने माही भाई से कहा कि इससे ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींच पाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, कोई और पार्ट टाइम बॉलर भी रन पड़वाएगा, तू बस 60 रन से ज़्यादा मत देना। इस पर मोहम्मद शमी एक बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा, ये तो मैं मरते मरते कर जाऊँगा। इस वाक्य से हमें उनका खेल के प्रति जज्बा और अपने देश के प्रति कुछ भी कर गुजरने का जुनून दिखता है। एक चैम्पियन खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो रुकने की कभी सोचते ही नहीं। इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हिट कर गई। पहली, सैक्रिफाइस। बड़ा सरल रास्ता था शमी के सामने। वो चाहते तो फ्लाइट पकड़कर इंडिया वापस चले जाते और आराम से घर बैठकर पूरा वर्ल्ड कप देखते, लेकिन उन्होंने तो दूसरा रास्ता चुना। कहते हैं, युद्ध ही वीर का प्रमाण होता है। इस युद्ध में शमी साहब ने अपना करियर और पूरा शरीर दाव पर लगा दिया। लैरी फ्लिंट कहते हैं, द ओनली क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ इज हाउ मच आर यू विलिंग टू सेक्रीफाइस टू अचीव सक्सेस। मतलब कि क्या सफल होने के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस करने की ताकत रखते हो। हो सकता था कि शमी साहब की टांगे परमानेंट डैमेज हो जाती और उनका करियर वही खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने तो खेल को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। दूसरा, फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट की सबसे खास बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग उस मंशा के साथ पैदा नहीं होते। वो कहते हैं कि कुछ लोग पैदा ही लड़ाकू होते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि बाकी लोगों का क्या। बाकी लोगों को ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से लड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होता। अब यह अपनी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं।
जीतने वाले हमेशा बड़े मंच की खोज में रहते हैं। शामी साहब की मानसिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले मैच में घुटना टूटने के बावजूद वो लड़ते रहे और वर्ल्ड कप खत्म होते होते 17 विकेट्स लेकर चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। किसी ने बड़ा सही कहा है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। दोस्तों, मेरा पहला गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मोहम्मद शमी की ज़िंदगी के और पहलुओं पर कोई और दिन चर्चा करेंगे। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और दूसरों की मदद ज़रूर करें। और याद रखिए, वक्त हमारा है।